नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय कार्यालय पर एक सभा का आयोजन किया गया, जहां भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर का वहां मौजूद किसानों ने जोरदार स्वागत किया। इस सभा में किसानों की समस्याओं पर चर्चा हुई। वहीं चौधरी संजीव तोमर ने सभा में मौजूद सभी किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद में फैले भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए भी काम किया जाएगा। वहीं चौधरी संजीव तोमर ने सभी किसानों से आह्वान किया कि भारतीय किसान यूनियन तोमर 26 नवंबर को किसानों की मुख्य समस्याओं को लेकर उत्तराखंड के देहरादून में एक महापंचायत आयोजित करेगी, जिसमें सभी किसान भारी संख्या में पहुंचकर महापंचायत को सफल बनाए। वहीं इस सभा के बाद राम मेहर तोमर को बागपत का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नव नियुक्त जिला अध्यक्ष राम मेहर तोमर ने किसानों की मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सुदेश पाल चौधरी, अखिलेश चौधरी, शहजाद प्रधान, पवन त्यागी, पदम सिंह, श्रवण त्यागी, अंकित गुज्जर, मुकेश गुज्जर, चंदन त्यागी, आशिक अली, अजय त्यागी, दीपक तोमर, देशराज तोमर, उपेंद्र तोमर, रवि तोमर आदि लोग मौजूद रहे। चौधरी संजीव तोमर है और मैं भारतीय किसान यूनियन तोमर का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष जी, जो आप 26 तारीख का ऐलान किया है महापंचायत का देहरादून परेड ग्राउंड में, किस चीज को लेकर है? देखिए, 26 तारीख में भारतीय किसान यूनियन तोमर एक महापंचायत कर रहा है, जिसमें लगभग हमारे 5 जिले शिरकत करेंगे यूपी से। और वहाँ पर जैसे बढ़ती महंगाई है, भ्रष्टाचार है, सभी थानों में भ्रष्टाचार चला हुआ है, और जो तहसीलें हैं, बिजली हैं, उनमें भ्रष्टाचार जोरों शोरों से चल रहा है, और गन्ने का जो बकाया भुगतान है, जो इकबालपुर मिल है, उसका अभी तक लगभग 3 साल का नहीं हुआ है, और बकाया भुगतान और गन्ने के रेट और किसानों की 60 साल के बाद पेंशन, बढ़ती महंगाई, ऐसे कई मुद्दों को लेकर के भारतीय किसान यूनियन तोमर 26 तारीख में देहरादून में पंचायत करेगा, जिसमें स्वयं मैं भी वहां पर पंचायत में पहुंच रहा हूं। इसमें मुख्य रूप से मांग क्या होगी आपके अध्यक्ष जी? मुख्य मांग हमारा गन्ना बकाया भुगतान, गन्ने का रेट जो है कम से कम 450 रुपए क्विंटल हो, और जो भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है उसे भाजपा सरकार खत्म करने का काम करे। जैसे कि सिलेंडर की महंगाई चल रही है, और जी घरेलू सिलेंडर है, पेट्रोल है, डीजल है, किसानों में भी और गरीब मजदूर में को परेशानी हो रही है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? इसमें बढ़ती महंगाई को लेकर के भी हम प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जब पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती तो 400 रुपए इस सिलेंडर में भी जो है वहां पर आंदोलन होते थे, लेकिन आज लगभग सिलेंडर 1100 रुपए पहुंच गया है, डीजल लगभग 100 के पास पहुंच गया है। उन चीजों को लेकर के भारतीय किसान यूनियन तोमर वहां पर पंचायत करेगा और माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उनका समाधान कराने का भी काम करें। इस पंचायत में लगभग कितने कार्यकर्ता पदाधिकारीगण पहुंचेंगे आपके अध्यक्ष जी? देखिए, 5 जिलों से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, हमारे किसान भाई पहुंच रहे हैं, ये पता नहीं कितनी संख्या में लोग पहुंचेंगे, लेकिन हाँ, ठीक ठाक भीड़ वहां पर संगठन की रहेगी, किसानों की रहेगी, और उत्तराखंड के जो किसान है उनके लिए कुछ ना कुछ भारतीय किसान यूनियन तोमर 26 नवम्बर को समाधान।